छोटा भाई का मुंडन हो रहा है नीचे देख रहे हो, उतर रहा है उसका हरा भरा बाल। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली गाइस आज रात को हम लोग रहे थे मनकापुर में, ठीक है। और अभी भी भाई सो के उठा, मामा उधर जा रहे हैं, अमित और सब लोग ब्रश व्रश करके जा ही चुके और मैं भी ब्रश करने जा रहा हूँ, ठीक है। ब्रश व्रश करते हैं उसके बाद फिर मतलब यहाँ से अयोध्या के लिए ट्रेन मिलेगा, ठीक है। गाइस जिस ट्रेन से हम लोग जाने वाले हैं वो ट्रेन भी आ चुकी, इधर लगी हुई है और नानी मौसी मामा मामा सब इसमें बैठ चुके हैं। अभी मैं ब्रश कर रहा हूँ, ठीक है। और अमित भी आ रहा है, वो देखो ब्रश करते हुए वो भी आ रहा है। तो ब्रश व्रश करके फिर मिलते हैं गाइस, ठीक है, कंप्लीट फुल। उसके बाद में फील होगा और बहुत ही मज़ा आने वाला। ये ट्रेन है अपना जाने वाला, उधर मालगाड़ी ठाड़ हुई है स्टेशन को, जिस तरह से बहुत ही बड़ा है। हम दूसरे साइड में प्लेटफार्म नंबर 5 से जाने वाले हैं ना भाई। तो चलो ब्रश करके मिलते हैं यार। जो गाय दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात, ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा। ब्रश व्रश किया, आप चल रहा है अपना चाय अभियान और यहाँ मामा मामा जी सब लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, ठीक है। और चाय वाय पी के फिर ट्रेन भी जाने वाली है 8 बजे, करीब 7:30 बज ही रहा है, फिर चाय पी के निकलते हैं, ठीक है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या के रामघाट पे, जो कि मैं मेरी टीम पूरी फैमिली पीछे चिल करते हुए और खुशबू इस तरह से बैग वैग बोक के सब लोग आ रहे हैं मस्त से। और जितना भी मूवमेंट होगा आज का ना पूरा ब्लॉग बनने वाला बहुत। सारजू जी पे हम लोग आ चुके हैं और बारिश बहुत झूम झूम के हो रहा है, देख रहे हो पब्लिक लोग को। फोन ना भेजे इसलिए भाई थोड़ा छिप छिप के ब्लॉग बना रहा हूँ। और कुछ भाई लोग का आज जो है हरा भरा बाल था वो आज उतरने वाला है और देखते हैं किस तरह से लगते हैं फिर हरा भरा बाल जब उतर जाता है। छोटा भाई का मुंडन हो रहा है नीचे देख रहे हो, उतर रहा है उसका हरा भरा बाल, ठीक है। तो सब खुशी खुशी से उसका बाल उतरवा रहे और ये भी बोल रहा है मैं भी देखूं, देख लो इसका भी उतरने वाला है शायद, नहीं इसका नहीं दूसरे का उतरेगा। भाई टकला हो रहा है भाई अपना छोटा वाला। एक्चुअली हुआ यूँ था कि बारिश काफ़ी कुछ हो रहा था, तो शारदू जी में हम लोग नहा के और नागेश्वरनाथ टेम्पल पे पूजा के वीडियो नहीं हो पा रहा था क्योंकि बारिश बहुत ही काफ़ी हो रहा था। तो एक्चुअली में अभी थोड़ा बारिश कम हुआ है और ड्रेस व्रेस चेंज करके फिर अब जा रहे हैं करीब 3 बजे घूमने के लिए अयोध्या के हनुमानगढ़ी टेम्पल पे, जो कि मैं अमित सब लोग हैं पीछे उधर सब लोग आ रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो स्वीट हार्ट बजरंग बली क्या खा रहे हैं यार, क्या खा रहे हैं भाई। गाइस देख रहे हो कितना स्वीट हार्ट हार्ट लोग हैं ना बैठे हुए हैं, कितने चिल कर रहे हैं अपने मस्ती में और हम भी अपने मस्ती में इन सबको कैमरे में शूट ही कर रहा हूँ। भाई कितने प्यारे से हैं यार, मत ही पूछो भाई। भाई इनसे मिल लो भाई देख रहे हो ना हो श्री राम पवन अयोध्या जी के दरबार में हनुमान जी उपस्थित रहेंगे, सदा उपस्थित रहना भी जरूरी है। और चिल करते फोन थोड़ा डर लगता है कि कभी कभी बजरंग बली ना फोन चलाने के लिए झपट्टा मारते हैं गाइस, तो इसलिए फोन को संभाल के चलाना पड़ता है। तो इधर हम लोग वेटिंग पब्लिक मेरी फैमिली इधर सब लोग, तो चलो गाइस हाईवे पे चिल होते हुए फैमिली के साथ सब। और छोटे भाई को कंधे पे बोक लिया हूँ, अब फैमिली के साथ आओगे तो ये सब होता ही रहता है भाई, बोकना लाटना है ना। तो चलो चलते हाईवे का कुछ एनिमेटिक दिखा दें आप सभी को। फाइनली गाइस हनुमानगढ़ी होते हुए दशरथ जी के महल के सामने आ ही चुके हैं, देख रहे हो इस तरह से सिनेमैटिक। और बैक कैमरे करते हैं फिर पूरा अच्छे से यहाँ का सिनेमैटिक दिखाते हैं फुल लोकेशन, ठीक है। तो फाइनली बाहर गेटों का सिनेमैटिक आप सभी को दिखाया, वो अंदर कुछ इस तरह से है बैकग्राउंड देख रहे हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, बहुत ही ऑसम है और एकदम जिस तरह से होना चाहिए ना उसी तरह से। और यहाँ काफ़ी सारे हनुमान जी हुए हैं बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके, मतलब एकदम बहुत ही आनंद, मतलब एक्चुअली में दिल से बहुत ही आनंद आ रहा है, ठीक है। और यहाँ बहुत ही अच्छा, और मतलब आगे दिखाते हैं काफ़ी लोग जा रहे हैं फैमिली के साथ में, मज़ा ही आया पीछे सब मतलब जा रहे हैं। चलो फाइनली गाइस और ही अंदर आते हुए और अंदर आने के बाद कुछ के लिए क्लाइमेशन और कुछ सिनेमैटिक इस तरह से बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और ये काफ़ी काफ़ी पहले बना हुआ है यार, मुझे तो कुछ पता नहीं है कितने साल कितने साल में क्या बना हुआ है। और यहाँ का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से बहुत ही स्वीट है ना, देख सकते हो अमित वहाँ पर सेल्फी लेते हुए। फाइनली
और मतलब अंदर का दिखाते हैं प्यारा से, थोड़ा तो सिनेमैटिक बना के दिखाता हूँ ठीक है गाइस। उतने अच्छे से नहीं आ रहा होगा बट मतलब थोड़ा बहुत आ ही रहा होगा देख सकते हो। उस समय मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब लाइफ में ऐसा हर बार नहीं हो सकता ना, कभी कभी एक मोमेंट होता है साथ में अमित। ठीक है चलते हैं यहाँ से, थोड़ा यहाँ का सिनेमेटिक बना के दिखाता हूँ भाई ठीक है। दशरथ भवन से घूम के अब हम जाने वाले हैं कनक भवन, जो कि देख रहे हो यहाँ बैनर लिखा हुआ कनक भवन से लोगों दिया है, तो वहाँ चलते हैं मिलते हैं साहब, आगे जा चुके ठीक है। मैं पीछे ब्लॉग करते हुए जो कि श्री राम जी की नगरी में आया हूँ ना, तो थोड़ा बहुत इंजॉय होना भी चाहिए, मज़ा आ रहा है, मतलब भगवान श्री राम की भक्ति में मस्त हूँ भाई, जय जय श्री राम है ना। और यहाँ का थोड़ा बैकग्राउंड पीछे का दिखा रहा हूँ कितने पब्लिक है ठीक है। चलो गाइस हम जो है कनक भवन मंदिर पे आ ही चुके, जो देख रहे हो गेट यहाँ से उतने दूर है, काफी ज्यादा दूर है, सब लोग जा चुके आगे आगे, मैं पीछे ब्लॉग करते हुए। और यहाँ का भी देखते हैं क्या किस तरह से, यहाँ मिठाई का दुकान और वहाँ फल फूल का दुकान, इस तरह से और ये जो कि मंदिर है ना काफी सारा, मतलब बहुत बहुत पहले बना हुआ है मंदिर, इतने बड़े हॉल में मिले मंदिर बड़े हैं देख रहे हो। और मेरी फैमिली इधर शायद सब बैठे हुए मस्त से, तो आओ थोड़ा यहाँ का मैं सिनेमैटिक बना के दिखाता हूँ ठीक है। चलो सिनेमैटिक दिखाया, एक्चुअली मैं अब उतना सा क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ आज का क्लाइमेट जो है ना उतनी क्लियरिटी नहीं है ठीक है, क्लाइमेट में मतलब बारिश हो रहा है तो मतलब उतना सा क्लियरिटी नहीं है, जो कि मतलब पहले ही बताया था, इसलिए वीडियो भी पूरा अच्छे से नहीं बन पाया है। और इधर देख रहे हो अमित भाई इधर ठीक है, तो चलो यहाँ भी देखिए अंदर क्या है वो भी दिखाऊंगा आप सभी को। चलो गाइस फाइनली और ही अंदर हम लोग आ चुके हैं, अंदर आने के बाद सिनेमैटिक कुछ इस तरह से, यहाँ का कुछ लोकेशन इस तरह से, यहाँ का बनावट रंग कलर मतलब बहुत ही ऑसम, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और देख सकते हो कितना प्यारा है, कितना ऑसम लग रहा है, देख सकते हो पूरा स्वीट एकदम, मतलब मुझे तो बहुत जम रहा है भाई, आप लोग बताना कमेंट करके बताना जम रहा है कि नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं फुल हैप्पी हूँ यार, एक्साइटेड एकदम का। और उतना क्लियरिटी मैं बैक कैमरे से कर रहा हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता कि अच्छे से कैमरे में आ रहा है कि नहीं, तो मैं सिनेमैटिक बनाता हूँ ठीक है। और भगवान राम यार सभी को कल्याण करे, माता सीताराम खुश चलो। फाइनली गाइस अंदर गया, अभी आप सभी को पूरा अच्छे से सिनेमैटिक दिखाया, सिनेमैटिक के रूप में ही बना के दिखाया और सभी क्लियरिटी में दिखाया। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने जहाँ पर मतलब हम लोग का रहना है, रहने वाला व्यवस्था किया गया है मामा जी वहाँ सेटलमेंट में, क्लियरिटी मुझे नहीं पता है, और काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा। और आज इतना ही टेंपल घूम पाएंगे क्योंकि अब टाइम नहीं है, करीब 5:30 हो चुका, तो अब जाना पड़ेगा, करीब 1.5 किलोमीटर दूर से है सिनेमैटिक इस तरह से, बहुत ही प्यारा, तो क्यों ना क्यों हो ना हो श्री राम अयोध्या जी का इस तरह से ही होना अच्छा है। और चलो तो आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में बहुत प्यारा, अगर कल बारिश नहीं हो तो बहुत प्यारा ब्लॉग बनेगा, तो चलो बाय बाय टाटा, लाइक जरूर कर देना।